सच बताओ पंडित, ये तुम्हारा चलाया हुआ कोई चक्कर तो नहीं, कोई चाल या कोई षड्यंत्र? क्षमा कीजिएगा मान्यवर, परंतु और कितनी परीक्षाएं देनी होंगी मुझे आपका विश्वास जीतने के लिए? अरे कल की लूट के बाद भी मुझ पर संदेह कर रहे हैं। यहाँ मैं आपके साथ हूँ भाई, हूँ कि नहीं? हूँ ना, वहाँ मेरा परिवार आपके लोगों के साथ है। अरे मैं छल करके अपने और अपने परिवार की जान जोखिम में क्यों डालूंगा? तो फिर भी यदि आपको मुझ पर संदेह है तो ये लीजिए खंजर रखिए अपने पास, किसी भी क्षण आपको ऐसा लगे कि मैं आपके साथ विश्वासघात करने वाला हूं तो उतार दीजिएगा मेरे सीने में ये खंजर। ठीक है तुम बुरा मत मानो, अब ढूंढने सुरंग चलो। रामा, क्या है? वो रहा गुफा का गुप्त मार्ग, वहाँ उस झाड़ के पीछे। जानता हूँ, मैंने आते ही देख लिया था। तो बताता क्यों नहीं सबको? अरे बुद्धि के शत्रु, यदि मैंने ऐसे ही सीधे जाकर बता दिया तो उस चतुर डाकू को मुझ पर संदेह नहीं हो जाएगा कि वो गुप्त द्वार पहले मुझे ही कैसे दिख गया? रामा चुप कर और देखता जा जो होता है। मिला? अरे अभी तक तो मिला ही। मैंने भी इस जगह का कोना कोना छान मारा मल्लू जी, परंतु वो गुप्त द्वार कहीं नजर ही नहीं आ रहा, जबकि इस नक्शे के अनुसार उस गुप्त द्वार को यही कहीं होना चाहिए था। लगता है मेरी जानकारी गलत थी, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया हमारा, अब हमें चलना चाहिए। वैसे अपार धन के इतने बड़े खजाने के पास आकर वापस लौटने का मन तो नहीं कर रहा। जहाँ अनगिनत हीरे मोती बताए जाते हैं, आभूषणों के छोटे मोटे पहाड़ बताए जाते हैं, अरे सिक्कों के असंख्य ढेर भी बताए जाते हैं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, द्वार तो कहीं मिल ही नहीं रहा। चलिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला, मैं उस जगह का पता लगा कर ही रहूंगा, ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। अरे पर कहाँ ढूंढेंगे मल्लू जी, वो द्वार तो हमें कहीं मिल ही नहीं रहा, सब जगह तो ढूंढ लिया हमने सिवाय उस पेड़ के नीचे के। मिल गई तुम्हारी गुप्त सुरंग पंडित, मिल गई। वैसे तुम होशियार बहुत हो, लेकिन केवल होशियार होने से सब कुछ नहीं हो जाता, हम जैसा अनुभव भी होना चाहिए। मान गए आपको गुरुदेव, क्या तीव्र दृष्टि पाई है, किसने सही कहा है भाई, गुरु गुरु होता है, सीखो इनसे कुछ। चलिए गुरुदेव हम चलते हैं, आप सब यही रहेंगे, अंदर केवल मैं और गुरुजी जाएंगे। क्यों, केवल हम दोनों ही क्यों जाएंगे? जा कीजिए गुरुदेव, खजाना ढूंढने जा रहे हैं, मंदिर का प्रसाद खाने थोड़ी ना जा रहे हैं। देखिए कितनी आड़ी तिरछी और सकरी गुफा है, सब साथ में गए तो या तो सब रास्ता भटक जाएंगे या अंदर ही कहीं फंस जाएंगे। हम एक काम करते हैं गुरुदेव, अंदर केवल हम दोनों जाते हैं, बाद में इन्हें बुला लेंगे खजाना ढूंढने के लिए। अरे गुरुदेव आप तो फिर से मुझे घूरने लगे, खंजर तो आपके पास ही है ना? हाँ वो तो है, ले आओ मशाले। कृष्णा दिखाई नहीं दे रहा है, उसे तो यहां होना चाहिए था ना? है होना तो चाहिए था, पता नहीं कहां रह गया, हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आगे क्या करेगा वो पंडित,
उसे जो मिलना था वो तो मिल गया। महाराज से पुरस्कार मिल गया और गुरु जी के घर से आशीर्वाद मिल गया। पंडित यही हूँ गुरुजी, यही हूँ। ठीक आपके पीछे, आप चलते रहिए चलते रहिए। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय की। किसी भी शासन का मूल आधार होता है उसकी न्याय प्रणाली, उसकी न्याय व्यवस्था। और जहां न्याय व्यवस्था का सम्मान ना हो वो शासन शासन ही नहीं। इस अपराधी का मृत्युदंड केवल एक दंड नहीं है, न्याय व्यवस्था का अपमान करने वाले हर एक अपराधी के लिए ये चेतावनी है। विजयनगर राज्य की न्याय व्यवस्था की गरिमा के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका यही हश्र होगा। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। साथ ही हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे राजगुरु तथाचार्य और पंडित रामकृष्ण का, जिनके सहयोग के बिना आज ये अपराधी यहां ना होता। धन्यवाद महाराज। महामंत्री जी, पंडित रामकृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, कहां है वो? पंडित, अरे आपके पीछे ही हूँ गुरुजी, आप चलते रहिए ना। पंडित, महाराज हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है, हम स्वयं उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दंड की कार्रवाई आरंभ की जाए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है महाराज, मैं निर्दोष, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मैं निर्दोष, मुझे छोड़ दीजिए। पंडित, 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 पंडित कहाँ हो तुम? पंडित, कहाँ गायब हो जाते हो पंडित बीच बीच में? रास्ता भूल गया था मल्लू जी, इस गुफा में इतने मार्ग हैं कि समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता कहाँ जाकर कहाँ निकल रहा है। बिल्कुल सही जा रहे हैं नक्शे के मुताबिक, आगे चल के हमें एक ऊपर लाल पत्थर नजर आएगा और पत्थर को तोड़ते ही शाही खजाना। तो सब तो ठीक है मल्लू जी, परंतु वो लाल पत्थर है कहाँ? बस सीधा चलते रहो, शाही खजाना भी मिल। हाँ, इस बार कहीं चले मत जाना, चलो। हाँ, मैं आपके पीछे ही हूँ, आप चलिए चलिए।
आज मैं मुझे छोड़ नहीं दूंगी। अगर रामा शीघ्र नहीं आया तो इस निर्दोष को फांसी हो जाएगी। महाराज कोतवाल अपराधी नहीं है। मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दीजिए। ये क्या कह रहे हो तुम पंडित रामकृष्ण? मैं वही कह रहा हूं जो सत्य है महाराज। कोतवाल वो अपराधी नहीं है जिसे समझकर इन्हें फांसी दी जा रही है। कोतवाल निर्दोष है। ये क्या मजाक है रामकृष्ण? तुमने प्रमाणित किया था कि ये। क्षमा करें महाराज, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था महाराज। असली चोर को पकड़ने के लिए ही मैंने कोतवाल को चोर सिद्ध किया, एक मोरे की तरह, ताकि असली चोर स्वयं आप सबके सामने आए और मैं उसका वास्तविक चेहरा आप सबके सामने ला सकूं। इस अपराध के लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहें स्वीकार है, किंतु यदि मृत्यु दंड देना ही है तो उस अपराधी को दीजिए जो उसका वास्तविक अधिकारी है, वो चोर जो अब मेरे जाल में फंस चुका है। तो वो असली अपराधी कहां है पंडित रामकृष्ण? अभी प्रस्तुत करता हूं महाराज। वो रहा आपका वास्तविक अपराधी। कहां है पंडित रामकृष्ण? बस अभी अभी आपके सामने उपस्थित होगा महाराज, धरती फाड़ कर बाहर निकलेगा वो। वो खजाने का द्वार, वो लाल पत्थर। सुनिए महाराज और सुनिए
अब अपराधी धरती से निकलेगा। अपराधी ना हुआ, आलू की खेती हो गई, धरती में उगेगा। महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ, वो अपराधी बस अभी यहाँ से निकलेगा महाराज। वो यही धरती का सीना प्रपंच है महाराज, इसका पाखंड ही आदमी है, पाखंड कर रहा है, एक और पाखंड है इसका ही। नहीं महाराज, इसमें कोई पाखंड नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूँ। कोई सत्य नहीं बोल रहा महाराज। महाराज मेरा विश्वास कीजिए, वो अपराधी यहाँ से अभी आएगा महाराज। बस हमें लगा था कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए सदैव न केवल तुम पर भरोसा किया बल्कि हर बार तुम्हारे साथ नम्रता से पेश आए, परंतु तुमने हर बार हमारी अच्छाई का, हमारी नम्रता का गलत लाभ उठाया और स्वांग पे स्वांग रचते गए। किंतु बस बस पंडित रामकृष्ण, और नहीं, अब हम तुम्हारे प्रपंच में नहीं आने वाले। विजयनगर की न्याय व्यवस्था का अपमान करने के अपराध में और एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाकर उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने के आरोप में हम इसी क्षण इसी पल तुम्हें मृत्युदंड देते हैं। तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। बंदी बना लिया जाए इस विश्वासघाती को। और इस कोतवाल की जगह पर इसे फांसी पर लटका दिया जाए। महाराज बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लीजिए महाराज, वो वास्तविक अपराधी न्याय से अधिक दूर नहीं है महाराज, बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर लीजिए, वास्तविक अपराधी अभी आपके सामने यहाँ उपस्थित होगा महाराज, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए। महाराज कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। आदेश का पालन किया जाए। महाराज महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, आप महाराज 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 कुछ समय के लिए रुक जाइए महाराज, महाराज कुछ समय के लिए रुक जाइए, वो अपराधी अभी यहां आपके सामने निकलेगा महाराज, मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। भगवान मैं तेरी शरण में आ रहा हूँ, मेरे प्राण स्वीकार कर, ऐसे मूर्ख वाचाल पंडित की चोटी होने का ये दंड तो मुझे मिलना ही था। महाराज
आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज, कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए महाराज, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं आपसे याचना करता हूँ महाराज, कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए।